गाइस अभी अभी ये क्या देखो हवा कम हो गई है। तो गाइस 6 बज चुके हैं और अपना सूरज चल रहा है। 1 घंटे से जगह ढूंढ रहा हूँ मैं, मतलब जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। तो गाइस आज आपके भाई है ना 170 दिन की राइड स्टार्ट हो रही है भाई, और हम रुके थे वो आपने मंदिर देख लिया तो काफ़ी मस्त था। बस मच्छरों ने थोड़ा परेशान किया। बस अंदर एक रूम है बट वहाँ पे क्या है कि फिलहाल एक वहाँ पे काम चल रहा है ना, तो सामान रख दिया था तो वहाँ हम सो नहीं पाए। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो आई होप आपको सोने को मिल जाए, जो भी इस फ्रेंड हमारे यहाँ से ट्रैवल कर रहा है। वैसे बाइक से आओगे फिर भी आपको सोने तो देंगे ही, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है आपको। बस ये देखिए हनुमान जी की ये बड़ी इससे मूर्ति है, हाईवे के इस साइड आना पड़ेगा, मतलब मैं अगर आप हमारी तरह रूट फॉलो कर रहे हो तो, वरना इस रूट पर जा रहे हो तो आपको आराम से मिल जाएगा, वैसे वो तो कोई दिक्कत नहीं। जय बजरंग बली। और खाने के लिए आपको यहाँ पे होटल्स वगैरह पास ही में तो मिल जाएंगे, तो आराम से आप खाना खा सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से। ओके, आंध्र प्रदेश में मैंने वैसे तो कल रात को मैंने रोटी खाई, मिली थी अच्छी थी, बढ़िया था, 50 रुपये में ही दिया था तो अच्छा लगा, वो बहुत ही बढ़िया था। ओवर ब्रिज के नीचे से ये थोड़ी खांसी ठीक हो जाए तो अच्छा रहे, जुकाम ठीक हो गया, बस एक खांसी है थोड़ी थोड़ी। और ये हमारा आज का ठीक है भाई, व्हाट्सएप हाँ, मेंदू वड़ा तो नहीं खाऊंगा, कुछ अच्छा सा खाऊंगा यार, मेंदू वड़ा खा के मैं मेंदू वड़ा हो गया हूँ, ऐसा हाल है। कल तो रोटी खाई तो अच्छा है, वरना हालत खराब है मेरी, रियली इतना चला रहा हूँ तो इतनी एनर्जी भी चाहिए, वरना क्या करेगा ऐसा हो जाएगा। चलो कुछ अच्छा सा नाश्ता ढूंढते हैं, पहले तो चलो से चाय पी का काम चला लूँगा मैं, बट दूसरा कुछ नहीं चाहिए। चलो अभी आगे बढ़ते रहते हैं, आप भी ब्लॉग के साथ आगे बढ़िए। जय श्री महाकाल। तो गाइस सुबह सुबह हमारा भाई है खा रहा है इडली, मुझे नहीं खाना क्योंकि अभी नहीं खाना, ये तो बहुत दिनों बाद पेट सही हुआ है और खा के बिगाड़ना नहीं है, तो फिलहाल तो इसमें डालेंगे ये कोकोनट ऑयल, ये थोड़ा सूख गया है ना, झारखंड में डाला था सिर्फ मैंने, अभी थोड़ा अच्छा हो रहा है इसको, चलो अच्छी तरह से डालते हैं। दिन चल चुके हैं अभी तक, और कितना दिन लगेंगे। बिस्किट ये बिस्किट और चाय। तो गाइस अभी हम रुक चुके हैं चाय पीने के लिए। तो गाइस अभी 1 किलोमीटर के बाद मुझे श्रीशैलम के लिए टर्न लेना है, नारासुरा ओपेट का रास्ता है, नारासुरा ओपेट, और ये अपना भाई तो कन्याकुमारी जा रहा है तो ये रास्ता मैं अकेले ही जाऊंगा। चलो 1 किलोमीटर के बाद टर्न है मेरा, हाँ तुम सीधा
फाइनली हमारे दोस्त को कन्याकुमारी के लिए अलविदा कह के अभी हम चल पड़े हैं अपने महाकाल के दर्शन के लिए श्रीशैलम, जिसकी दूरी यहाँ से है 180 किलोमीटर। और अभी का रास्ता कुछ ये है, इसी रास्ते में मुझे 16 किलोमीटर तक कंटिन्यू चलना पड़ेगा, तब जाके एक हाईवे जैसा दिखा रहा है उस रास्ते को कंटिन्यू करूँगा, तब जाके हम पहुँच पाएंगे। चलो रास्ता तो एकदम सही है, आई होप मैं कल तक पहुँच जाऊँ, क्योंकि अभी बजने वाले हैं आई थिंक 9 बजने वाले हैं, तो आराम से चलाएंगे आज भी। 100 किलोमीटर का टारगेट रखते हैं, बस टारगेट रखना है, जितना हो उतना ही करना है, आराम से चलते जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ओके चलो अभी आगे बढ़ते हैं, आप भी वीडियो के साथ आगे बढ़िए। जय श्री महाकाल। तो गाइस फिर से आ चुके हैं जंगल और पहाड़ पे, जंगल है पहाड़ भी है और साथ में लग रही है। हेलो आ गई चढ़ाई, ये अपने लग गया गैर, बढ़िया है ना चढ़ाते, सामने से हवा आ रही है, चढ़ाई चढ़ जाए तो उतराई होगी थोड़ी। चलो जल्दी से पहुँचते हैं श्रीशैलम। तो गाइस 10 बज चुके हैं और आज थोड़ी धूप बहुत ज़्यादा लग रही है, क्या करें, बहुत दिनों बाद, इतने दिन तो बारिश का मौसम था और बादल थे तो धूप नहीं लगी, तो ये देखो अभी तो बहुत धूप लग रही है यार, क्या बताएं, धूप में बेहाल हो जाते हैं। और अभी तक ना 10 बज चुके हैं और मैंने तकरीबन 40 किलोमीटर तक चलाई है साइकिल, 3 घंटे होने ही वाले हैं, बस 12 मिनट बाकी है, 40 और अभी 12 मिनट में, मतलब मैं 50 से प्लस मेरी एवरेज थी 3 घंटे में, लेकिन वो भी थोड़ी कम हो गई है। और मैं थोड़ा वो पहाड़ी वाले रास्ते से आया तो रास्ते का भी थोड़ा डिफरेंट रहा, इसलिए अभी ऐसा हुआ है। चलो कोई नहीं, यहाँ पे थोड़ी देर बैठा हूँ, हवाएं बहुत अच्छी चल रही है, तो आराम से फिर जाएंगे, कोई ज़्यादा देर नहीं। ओके चलिए बने रहे ब्लॉग साथ, जय श्री महाकाल। आया श्रीशैलम, गुजरात में श्री चलो साइकिल में अपना तो भाई अभी अभी ये क्या देखो हवा कम हो गई है, पंचर हो गया अपना पीछे का पहिया, क्या करेंगे अभी, ढूंढना पड़ेगा कहीं पे शॉप बनाने के लिए। चलो रिपेयरिंग के लिए कहीं देखते हैं, पंचर हो गया है, बहुत ही बढ़िया हो गया, चलो आगे देखते हैं। तो गाइस फाइनली दुकान मिल चुकी है, अपने दोनों टायर में पंचर है, तो दोनों टायर में पंचर बना लेंगे, वैसे मेरे पास भी सामान है बट वो मैंने इमरजेंसी के लिए रखा है, अभी तो फिलहाल यहीं पे बनाना ठीक है, तो जल्दी से अभी बनाते हैं। छोटी सी दुकान है, तो गाइस 2 पंचर निकले आगे के टायर में, परमात्मा प्रबोधन करेगी।
मथुरा में पुत्र मथुरा को अपना विहार टायर की तार है जो हाई पे ट्रक की टायर फट जाते हैं, वो गिरे पड़े रहते हैं ना, उनमें से ये चूक जाती है ये। चलो ये लग गया था, दो लग गए थे इसलिए पंचर हो गया। तो गाइस आगे का पहिया बन चुका, आगे पीछे का पहिया की बारी है। तो गाइस पंचर बनवा के चल पड़े अभी फिर से। ये रास्ता है, कुछ धूप तो बहुत है आज। चलो अभी कहीं पे खाना ढूंढते हैं, रोटी सब्जी होगी वहीं जाएंगे और कुछ नहीं। तो गाइस अभी खाना खाने रुक चुके हैं और ये है अपना खाना, दो रोटी दी है बड़ी बड़ी 60 रुपीज प्राइस है इसकी। चलो अभी खाना खाया जाए। तो गाइस खाना खाने चल पड़े और अभी ये थोड़े से काले बादल आ चुके हैं। अगर पूरा दिन ऐसा रहा तो कितना अच्छा रहेगा, बट नहीं होगा ऐसा। थोड़ी देर के बाद फिर से धूप लगने चलेगी, ऐसा हाल है। और अभी अभी क्या हुआ कि खाना खाया ना, तो बिल है वो एक ट्रक वाले अंकल थे, उन्होंने पे कर दिया। वाह अच्छा, 90 और 60 थी तो आई थिंक 110 रुपये का बिल उन्होंने पे कर दिया। अच्छा रहा, चलो दोपहर के पैसे बचिए ऐसा कह सकते हैं। अगर पूरा दिन क्या गिने तो सुबह हो जाते हैं तकरीबन चाय वाय सब 50 रुपये और पैर को 120-130 मतलब मैं टोटली 300 से 350 रुपये लेके चलना पड़ेगा पर डे। तो आपको गैस वगैरह कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट कहीं पे आपको ऐसे इतना सस्ता नहीं मिलेगा क्योंकि कहीं पे ऐसे सब्जी अलग और रोटी अलग ऐसा सीन होगा। थाली वाली में चल जाएगा 120 या 130 की थाली आ जाएगी ऐसा, फिर भी आपको यही अगर 400 रुपीज़ पर डे चले ना तो आराम से बजट मेंटेन हो जाएगा ऐसा होता है। बट अब 400 पर डे मतलब में तो महीने का हो जाएगा पूरा कितना 12,000 रुपये बहुत है। चलो अभी कोई नहीं आगे बढ़ेंगे। गाइस चार और हरियाली दिख रही है, बहुत दिनों बाद ऐसा मस्त सीन देखने को मिला है और पूरा ऐसा मैदान और छोटी छोटी ऐसे पहाड़ी भी दिख रही है, बहुत ही मस्त लग रहा है। देखो उधर छोटी छोटी पहाड़ी है, कैमरे में कैप्चर नहीं हो रही है बट अमेजिंग, काफ़ी मस्त व्यू है। अभी बादल थोड़ी देर में हट जाएंगे, फिर से धूप लगनी स्टार्ट हो जाएगी। चलो इसलिए आगे बढ़ते रहते हैं। जय श्री महाकाल।
गाइस साइड का व्यू देखो, बहुत ही मस्त हो रहा है। जगह ढूंढ रहा हूँ मैं, मतलब मैं 5 बजे में जगह ढूंढना स्टार्ट ही कर देता हूँ। देखते हुए आ रहा हूँ, टेम्पल पे गया तो कह रहे हैं नॉट अलाउड, फिर क्या करें, आगे बढ़ेंगे और किसी से पूछो टेम्पल दिखा रहा नॉट अलाउड अंदर, और वहाँ चले गए अंदर और उसने ही बोल दिया नॉट अलाउड, कहाँ क्यों जाना, ऐसा हो जाएगा, इसलिए चला रहे हैं, इसी रास्ते से आगे बढ़ते रहेंगे। जगह ना मिली पूरी रात चलाएंगे, फिर सुबह तक तो पहुंच ही जाएंगे आराम से, है ना, फिर दिन में सो जाने और ये ठीक रहेगा। चलो अभी तो फिलहाल उजाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में पता चलेगा कैसा सीन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। तो गाइस आज भी 110 किलोमीटर की तकरीबन, यस 110 किलोमीटर डन इट, एंड स्टे करने के लिए हमें ये मंदिर मिल चुका है, हमारा बिस्तर लग चुका है यहाँ पर। यहाँ पर मैंने नहा लिया, पानी आ रहा था, और ये आपके भाई ने आज नई टी शर्ट लिया, ऐसे लग रही है कमेंट में बताना, बहुत ही मस्त है। और अभी श्रीशैलम की दूरी यहाँ से ना तकरीबन बची है 100 किलोमीटर, तो हम कल पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे, कि पहुंचने ही है, थोड़ी पहाड़ी होगी ऐसा है, इसलिए तो कुछ नहीं। आज का ठिकाना तो काफ़ी मस्त है, ये पूरा ऐसे है, बॉर्डर लाइन बनी हुई है और वो गेट है वो तो बंद हो जाएगा, और कैमरा वगैरह लगे हैं तो थोड़ी सिक्योरिटी तो है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी खाने का क्या अरेंज होता है देखते हैं, वरना अपना जोरी खोलनी पड़ेगी और क्या, है ना। ओके और इस ब्लॉग का आज यही एंड करना चाहूँगा, क्योंकि अभी कुछ है नहीं, बस मैं अकेला बैठा हूँ यहाँ पर, प्रभु है हमारे साथ में, वहाँ पापा बैठे हैं, यहाँ पे हमारे कृष्ण कन्हैया, कृष्ण भगवान का मंदिर है। जय श्री कृष्ण। और चलिए ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते हुए जाना। जय श्री महाकाल।